समाजवादी पार्टी के गण में कमल की लहर। जी हां, समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान की विधानसभा का एक मुस्लिम बहुल्य गांव रतनपुरा, जिस गांव की लगभग 2400 की आबादी है, ये गांव मुस्लिम बहुल्य गांव है। इस गांव के प्रधान अमीर अहमद का कहना है, मोदी जी ने विकास कार्य कराए हैं, इसलिए हमारा समर्थन घनश्याम सिंह लोधी को है। उसके अलावा हमने गाँव के कई बुजुर्ग सम्मानित लोगों से भी बात की, उन्होंने भी घनश्याम सिंह लोधी को ही समर्थन देने की बात कही। उनका कहना था, सांसद घनश्याम सिंह लोधी आसानी से मिल जाते हैं और जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उसका तुरंत समाधान करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी विकास कार्य भी कराए हैं। वहीं सांसद घनश्याम सिंह लोधी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बहरहाल, ये चमरावा विधानसभा का गांव है, यानी नसीर अहमद खां की विधानसभा का गांव घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में नज़र आया। आइए सुनते हैं क्या कहना है रतनपुरा के मौजूदा ग्राम प्रधान अमीर अहमद का और उसके अलावा और गाँव की जनता का। सुनिए उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? अमीर अहमद। आप गांव के मौजूदा प्रधान हैं? ग्राम प्रधान। क्या कहना चाहेंगे, इसमें लोकसभा चुनाव है? लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी पार्टी को सपोर्ट है आपके। जी, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, विकास है, काम है, जो प्रत्याशी हैं वो सांसद भी हैं। सांसद जी बढ़िया हैं, उन्होंने विकास कार्य, हाँ, विकास कार्य कराया है हमारे। 100 मीटर इंटरलॉकिंग दी है। और भी मान लो कोई भी ग्रामवासी अगर जाता उनके पास तो सबकी फरियाद सुनते हैं। तो गांव के सभी लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे? गांव के लोग जो है जात कर सपोर्ट करेंगे उन्हें। अब बाकी जो है देखते हैं कब क्या। कितने लोगों का गांव है? ऐसे 2400 वोटों का गांव है। तो 2400 में कितने लोग घनश्याम लोधी जी को सपोर्ट करेंगे? अब देखो, हाँ, आधे तो हो जाएंगे, बाकी और पार्टी का बोला था जो भी। चाचा, क्या नाम आपका? महमूद अली। जी, महमूद अली। लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? मिनी लगने इनकी सपोर्ट करेंगे, लोधी साहब की। क्यों? अच्छे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया आदमी, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, सबका ध्यान कर रहे हैं। दो साल में काम अच्छे किए हैं। जी जी जी। तो आप इनको वोट देंगे? हाँ, हम वोट देंगे लोधी जी को। जी हाँ, हम वोट देंगे। अशरफ अली। किसको वोट दोगे की बार? देंगे मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी ने विकास कार्य कराए हैं। जब बेचारे, जब हम कोई काम पड़े और जाम है तो हमें कलर से बिठा लें और हमारी बात सुने, इससे ज्यादा और क्या होगी? हमें ये बात बताइए, घनश्याम लोधी जी। जी, हम निजी बार उनके पास गए बेचारों के होटल में। अच्छा, कोई काम अगर पड़े तो हमारी सुनते हैं वो। चाचा, क्या नाम है आपका? अमजद अली। आज सांसद जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार वोट क्या सोच के डालेंगे? वोट ही डालेंगे, सोच के सोचने क्या वोट ही डालना। किसको वोट डालना चाहोगे इस बार? कौन प्रत्याशी बेहतर है? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। राज चल रही है, उन्हें वोट दिया जाएगा। किसे वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को, कमल के फूल को। हाँ, काम कराए। मोदी जी की ऐसी कौन सी योजना आपको अच्छी लगी कि आप उनको वोट दे रहे हैं? सरकार अच्छी अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है सरकार, बढ़िया चल रही है। आपको योजनाओं का फायदा मिल रहा है? अरे भी फायदे ये, पैसे भी आ रहे हैं जमीन के और टंकी भी भरी जा रही है, सब चीज सही है। शुद्ध है। जो आपके सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं घनश्याम लोधी जी, जी उन्हें वोट देंगे इंशाल्लाह? उन्हें देंगे। काम अच्छे किए दो साल में उन्होंने? हाँ, काम अच्छे किए हैं, सभी किए हैं, बहुत दूर सजा चल रही है। बात तेरा सरकार होगा, सरकार काफी टाइम हो गया। क्या नाम आपका? ऐसा क्यों? सही है, कौन से हाल है क्या देखे? वही जाएंगे। तो घनश्याम सिंह लोधी जी देंगे? घनश्याम लोधी जी, उन्होंने काम अच्छे किए और काम सही का है। हमारे तो आए, हम अभी तो उठते हैं, बैठ तो वैसे ही है। अच्छा, क्या नाम आपका? नहीं सर, किसे वोट देंगे इस बार? अरे हम तो किसी को भी दे देंगे यार। नहीं, फिर भी किसे बताएं यार? सच ही बताएं, सच ही बताएं, समाजवादी को देंगे भैया हम तो। अच्छा, हाँ, क्यों देते ही हैं यार? क्यों क्या? अच्छा, हाँ, कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं है, देते ही हैं। अच्छा, बस जो मौजूदा सांसद जी हैं उन्होंने भी तो काफी काम करा है। हाँ, काम करा है। अच्छा, बस।